दोस्तों मैं भी टॉस टोली यूट्यूब पे लेके आ गया हूँ टेनिस स्टेट रनिंग एक पोस्ट मैच एनालिसिस। और दोस्तों जो इस बार पोस्ट मैच एनालिसिस लेके आऊँ फॉर्मर ATP रैंकिंग नंबर 1 और करंट ATP रैंकिंग उनकी आउटसाइड टॉप 10 है और वो है डैनियल मेडवेडेव वर्सेज ATP रैंकिंग है 31 बोटी बैंडे। नीदरलैंड के प्लेयर हैं और मेडवेडेव रशिया के प्लेयर हैं। दोनों प्लेयर शानदार प्रदर्शन करते हैं और दोनों प्लेयर ने एक बार बता दिया कि भाई प्रदर्शन एकदम शानदार रहेगा, बट इस बार मेडवेडेव ने वन साइड ट्रॉफी रखा है। दोनों गेम्स जीते हैं, दोनों सेट जीते हैं 6-2 6-2 से। दोस्तों इसी रिगार्डिंग पोस्ट मैच एनालिसिस लेके आऊँ। एनालिसिस में बढ़ने से पहले फिर सेम बात आपको बोल दूँ कि भाई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए यार, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लेना ताकि सारी अपडेट्स मिल सके आपको पोस्ट मैच रिगार्डिंग, प्री मैच रिगार्डिंग और सारी एक्टिविटीज रिगार्डिंग। दोस्तों अब बढ़ते हैं पोस्ट मैच एनालिसिस के पहले सेक्टर पर। पहले सेक्टर की शुरुआत करें तो आते ही अपनी सर्विस गेम पे तो होल्ड रखा, सर्विस गेम ब्रेक भी की और अपनी सर्विस गेम पे फिर से होल्ड रखा। शुरू होते ही मैच 3-0 से आगे चले गए थे गेम। फिर दूसरे और बोटे ने अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखना शुरू किया, मेडवेडेव ने रखा, फिर बोटे ने रखा और उसके बाद मेडवेडेव ने अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, 5-2 की और सर्विस गेम ब्रेक की। लास्ट में 6-2 से पहला सेट जीते। अगर सेकंड सेट की शुरुआत करो तो पहले सेट की तरह डिटो रहा, सर्विस गेम आते ही ब्रेक की, अपनी सर्विस गेम पे रखा, होल्ड 3 लव किया इस बार भी। फिर बोटे ने 2 लगातार सर्विस गेम जीती अपनी और दोनों ने अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा। मेडवेडेव ने भी लास्ट में सर्विस गेम एक बार फिर से ब्रेक की और 6-2 से ये वाला सेट भी जीता। पहला सेट 42 मिनट जो ये वाला सेट 43 मिनट कुछ ऐसा ही है। दोनों का समय भी सेम रहा और स्कोर भी सेम रहा और प्रदर्शन दोनों जो किए हैं दोनों प्लेयर अच्छे प्लेयर ने किए हैं, बहुत दोनों बार किया डैनियल मेडवेडेव ने और बोटिक ने भी अच्छा प्लेयर है, अच्छा प्रदर्शन करते हैं। बट उनकी इस बार आज 80 चली। वो चाहेंगे कि भाई नेक्स्ट मैच जब खेलूँ तो उनके साथ बढ़िया तरीके से कम्पीट करूँ। इन्होंने जब क्वार्टर फाइनल में US Open 2021 में जब मेडवेडेव जीते थे जोकोविक को हराया था, उस टूर्नामेंट में जोकोविक हारे थे, उसके बाद से हारे नहीं है मेडवेडेव से। मगर तब मेडवेडेव 8 सेट हारे थे और वो जो सेट हारे थे वो बोटी बैंडे से ही हारे थे। तो देखा जाए बोटी बैंडे प्रदर्शन बढ़िया करते हैं बट इस टूर्नामेंट में बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाए। वो चाहेंगे कि भाई नेक्स्ट मैच में अगर नेक्स्ट राउंड में अगर मौका मिलता है कभी उनके साथ खेलने का डैनियल मेडवेडेव के साथ तो उन्हें धूल चटा दी जाए। और मेडवेडेव चाहेंगे कि भाई अपना पॉजिटिव रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, 4 लव है तो 5 लव करके आगे बढ़ा जाए, वैसा ही स्टीक रहे। अगर मैच टेस्ट की नजर डाल दूँ 4 मैच जीत चुके हैं तो 4-0 हो गया है। उसके बाद अगर ये वाले मैच में स्टैट्स में देखा जाए एसिस 6 लिए हैं, डबल फॉल्ट 2 किए हैं मेडवेडेव ने, दूसरी ओर 0 एसिस लिए हैं, 2 डबल फॉल्ट मेडवेडेव ने किए थे और उन्होंने 4 डबल फॉल्ट किए हैं। अगर ब्रेक पॉइंट्स कन्वर्जन की बारी आती है तो ब्रेक पॉइंट देखा जाए काफी बार लाने में कामयाब हुए हैं मेडवेडेव की भी, बट मेडवेडेव ने वो सारे ब्रेक पॉइंट्स सेव किए। दूसरी ओर उनके कन्वर्जन हुए हैं ब्रेक पॉइंट्स 2 फर्स्ट सेट में 2 सेकेंड सेट में, तो 4 बार उनका कन्वर्ट हुआ। तो चाहेंगे बोटी अगली बार ऐसा कन्वर्जन इतना ज़्यादा नहीं हो और वो खुद ब्रेक पॉइंट ज़्यादा कन्वर्ट करें। क्या लगता है दोस्तों मेडवेडेव का जो अगला मैच है कैसा होने वाला है, क्योंकि अगला मैच डैनियल मेडवेडेव का ना जो वो है कनाडा के प्लेयर फाइट्स ऑलर और वो शानदार प्रदर्शन करते हैं फेलिक्स एलिस में और वो चाहेंगे कि बढ़िया प्रदर्शन करते अपने अपोनेंट मेडवेडेव को हराया जाए। मेडवेडेव चाहेंगे कि भाई कंटिन्यू सीजन थोड़ा अच्छा तो जाए इस बार और फेलिक्स को हरा के टूर्नामेंट के दावेदार की और पास चले जाऊँ। क्या लगता है आप अपनी राय देना ना भूलें दोस्तों कमेंट सेक्शन में। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ढेर सारा प्यार देते रहना दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।